हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते की सब्जी, जो कि आसानी से हम इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होती है और बहुत ही हेल्दी भी होती है और आसानी से बन जाती है। तो चलो बनाते हैं। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये लौकी ले ली है। अब हम इसको छील लेंगे। इस तरह सारी लौकी को छील लेंगे। इस प्रकार हमने लौकी को छील लिया है और छील के बीच में से काट के, ये वैसे तो कच्ची थी, फिर भी हमने, यदि आपको थोड़ा सा लौकी है वो पक्की लगे तो इसमें चाकू की सहायता से ये बीज से थोड़ा थोड़ा बीज है वो निकाल दें। ये हमने बीज इससे बीच में से थोड़े थोड़े निकाल लिए हैं इस प्रकार। और अब हम इसका कद्दूकस करेंगे इसको। तो आपने एक प्लेट ले ली है, आप कोई भी कद्दूकस करने वाला ले लीजिए और उसकी सहायता से ऐसे धीरे धीरे करके इसको कद्दूकस कर लीजिए। हमने सारी घिया को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इससे निकालेंगे पानी, इसका निचोड़ के इस प्रकार पानी निकाल देंगे पूरा। इसमें हमने एक आलू भी कद्दूकस किया है, छोटा सा। आइए, तो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, नहीं तो केवल लौकी के भी कोफ्ते बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरह निचोड़ के पूरा पानी इसमें से निकाल देंगे। एक बार तो हमने इसमें पानी निकाल दिया है, एक बार दोबारा इसमें पानी निकालेंगे ताकि ये अच्छी तरह पानी इसका पूरा निकल जाए। जितना इसमें पानी निकल सकता है उतना दो बार में आप निकाल लें पानी। हमने लौकी को अच्छी तरह दो बार निचोड़ के पानी सारा निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर और डाल देंगे अजवाइन। इससे हमारे कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इसमें साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पिसा हुआ है, ये मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी सी डाल देंगे काली मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे। पहले 3 चम्मच बेसन की डाल के हम मिक्स करेंगे। नमक है हम ऊपर से डालेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे कटा हुआ प्याज। इसे हमारे कोफ्ते अच्छे बनेंगे। और एक हरी मिर्च डाल देंगे। अब इन चीजों को मिक्स कर लेंगे। बेसन है वो कम लग रहा है, थोड़ा और मिलाएंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। नमक डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार कम ही डालेंगे एक बार, और इन सबको मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन है वो और डाल रही हूँ। इस तरह सारी चीजें मिक्स कर ली है इस प्रकार। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे छोटी छोटी। इस प्रकार हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। इस तरह की बना लेंगे।
आप इस प्रकार बना के रख भी सकते हैं। और सीधे ही इस प्रकार हमने पैन ले लिया है और इसमें ऑयल है वो गर्म हो गया है। अब हम सीधे भी इस प्रकार बना बना के इसमें डाल सकते हैं। इस तरह डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको धीरे धीरे पका लेंगे, फुल फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, क्योंकि फुल फ्लेम पे यदि इसमें बेसन है वो कच्चा रह जाएगा, इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे कोफ्तों को पकाएंगे। अब हम इसको पलट देंगे, ये नीचे से सिक चुके हैं। सारे पकोड़े हमने इस तरह लौकी के पकोड़े हैं वो निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। हमने पैन में है वो ऑयल चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा है वो तड़कने लगा है, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। और अदरक और लहसुन का हमने कूट के पेस्ट बना लिया था, अब इसमें और इसके साथ ही डाल देंगे प्याज की। हमने ग्रेवी बनाई है मिक्सी में पीस के बना ली थी, दो प्याज छोटे छोटे प्याज काटे हैं, ये भी इसके साथ ही डाल देंगे। प्याज को हम 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे थोड़ा सा। 2-3 मिनट हमने प्याज को भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर की ग्रेवी बनाई थी जो, ये डाल देंगे। अब इसको भी हम पकने देंगे। अब इसको हम पकने देंगे धीरे धीरे। टमाटर है वो पक चुका है, हमने 2-3 मिनट टमाटर को पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच है वो लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, और साथ ही डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। 1 चम्मच मैंने नमक की ली है। अब मसाले में हमने थोड़ा सा पानी डालूंगी और पानी डाल के इसको पकाएंगे थोड़ा सा। हमारा मसाला है वो तेल छोड़ने लगा है, मसाला है वो पककर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे लौकी के कोफ्ते। इस प्रकार आप बनाओगे तो हमारी लौकी के कोफ्ते की जो सब्जी है वो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। आप जरूर बना के देखिए। अब हम इसमें जो लौकी के कोफ्ते बनाए थे सब्जी के लिए, अब इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी डाल के इसको 2-3 मिनट पकाएंगे। ग्रेवी आपको जितनी चाहिए उतनी बना लीजिए। यदि आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो गाढ़ी रख लीजिए। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। वैसे तो हमारी सब्जी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसको 2-3 मिनट ढक के पका लेंगे। 2-3 मिनट ही पका के फिर चेक करेंगे। सब्जी को 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। सब्जी है वो बनकर तैयार हो गई है। इस प्रकार हम देखेंगे एकदम जो हमारे कोफ्ते हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको पकने में ज्यादा समय नहीं लगा है क्योंकि हमारे कोफ्ते थे वो पके हुए थे, हमने मसाले को भी अच्छी तरह पका लिया था। अब 2-3 मिनट इसको ढक के पका लिया तो अच्छी तरह ये पक चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारे कोफ्ते हैं पक गए हैं या कितने सॉफ्ट हैं। इस प्रकार ये देखो एकदम सॉफ्ट है हमारे कोफ्ते, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है इसकी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।